हाँ जी, तो क्या हाल है आपके? मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। टीएस की नोटिफिकेशन आउट हुई, बच्चे कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चन कि सर मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, मेरी एसएसबी की डेट्स आएंगी या नहीं आएगी। तो भाई इस वीडियो में आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी, वीडियो को एंड तक देखना। एंड बात सुन लो, जब भी लाइफ कोई अपॉर्चुनिटी देना, हमेशा उसको दोनों हाथों से हाथ खोल के एक्सेप्ट करो। तो जिस जिस बच्चा जो जो बच्चा टीएस के लिए एलिजिबल है, वो फॉर्म जरूर भरेगा। यू नेवर नो कि कब आपकी लाइफ किस पॉइंट ऑफ टाइम पे चेंज हो सकती है। ये नोटिफिकेशन है। एलिजिबिलिटी में दो तीन क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले तो आपको एज की एलिजिबिलिटी पता होनी चाहिए। तो भाई मैंने पहले बताया था ND1 2023 वाली एज आएगी, बिकॉज पैरेलल कोर्स चलते हैं, ठीक है? तो 2 जुलाई 2004 इंक्लूसिव डेट ये, से लेके 1 जुलाई 2007, इन दोनों डेट्स के बीच में या इन दोनों डेट्स पे आपका जन्म हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। दूसरी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे बात करें तो भाई साहब, एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे आपके 60% मार्क्स आने चाहिए क्लास 12th में पीसीएम में। 60% इज द एग्रीगेट। फिजिक्स में 50 है, मैथ्स में 70 है, ओवरऑल 60 है, यू आर एलिजिबल। तीसरी बात, आपने जेई मेंस 2023 का पेपर दिया हो, ये होगी एलिजिबिलिटी। अब इसके बेसिस पे आप फॉर्म भर दोगे ज्वाइन इंडियन आर्मी .NIC.in पे जाके। फॉर्म भर दिया, उसके बाद वो सेलेक्ट करेंगे, लिस्ट निकालेंगे किस किस को एसएसबी की डेट आई। पिछली बार जो आई थी वो आई थी 3.5 लाख जिसकी सीआरएल थी ना उसको। एंड आप ये मत सोचना कि जिसकी मतलब टीएस में ज्यादा परसेंटाइल होती है, कम रैंक होती है, उसके चांसेस ज्यादा होते हैं कि वो रिकमेंड हो जाएगा। नहीं, दोनों में कोई मतलब लिंक नहीं है। आप वहां पहुंच गए, देन उसके बाद तो भाई आपकी परफॉर्मेंस है, समझ रहे हो? पिछली बार मुझे याद है अपना लड़का विवेक राणा, जिसकी रैंक 9 आई थी, वो मतलब बस किसी तरह से 3,48,000 कुछ था। एंड वो हमारे ऑफलाइन बैच का स्टूडेंट था, LWS SSB का। लोग बोलते हैं कि टीएस में रिकमेंडेशन नहीं होते, हमने अपने फर्स्ट बैच से ही टॉप 10 में बच्चा डाल दिया था, ठीक है? क्यों? क्योंकि बच्चा अच्छा था, कॉल आई, बात खत्म। तो वही आपको फॉर्म अप्लाई करना है भाई, पता लगे कॉल आ जाए, मेरी बात समझ रहे हो? फॉर्म अप्लाई करो। ऐसा नहीं है कि इसके बाद वाले फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे, फॉर्म अप्लाई सब करो भाई। क्या जा रहा है, फ्री में फॉर्म अप्लाई होगा, पैसे भी नहीं ले रही आपको, तो बस अप्लाई करना है। तो आप सब अप्लाई करो। आपकी एसएसबी आएगी सितंबर अक्टूबर के आसपास। जैसे पिछली बार मुझे याद है सबसे अर्लीस्ट एसएसबी की जो डेट्स थी वो लास्ट ऑफ सितंबर की थी, जो हमारे स्टूडेंट्स थे उनकी, ठीक है? इसमें लिखा भी हुआ है इनफैक्ट, आप देखोगे नीचे जाके, अगस्त सितंबर में आपकी एसएसबी आएगी, से आगे आएगी एसएसबी, मतलब अगस्त सितंबर ऑनवर्ड्स, नवंबर तक भी पहुंच सकती है, राइट? उसके लिए तैयारी कब से शुरू करनी है मैं बता दूं कि अपने जो एसएसबी के बैचेस है ना, देखो अभी जो करंट बैच चल रहे हैं भाई, वो तो सब फुल चल रहे हैं, मैं उनमें सीट्स नहीं दे पाऊंगा, लेकिन वेट करना, क्योंकि तैयारी करो ढंग से करनी है, एक ही जगह से करनी है, अच्छी तरीके से करनी है, काम चलाओ तैयारी नहीं करनी। जब एसएसबी जा रहे हो तो ढंग से करके जाओ। 21 दिन का हमारा कॉम्प्रिहेंसिव बैच होता है। जो अपकमिंग आ रहे हैं बैचेस, वो है 27 जुलाई, 21 अगस्त, और मैं सेप्टेम्बर की कोई एक डेट खोल देता हूँ। सारे हमारे बैचेस 21 दिनों के बैच है, लिमिटेड हम सीट रखते हैं भाई। अगर रजिस्टर कर सकते हो जल्दी कर लो, क्योंकि फिर ये भी बैच फुल होने लग जाएंगे, फिर मैं आगे 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 की डेट्स देता रहूंगा। अभी कितना बच्चा है मुझसे जून की डेट्स मांग रहा है, बट मेरे पास है नहीं। अगर आप मुझसे आज के टाइम में LWS SSB में एडमिशन मांगोगे, तो मैं 27 जुलाई से पहले भाई मैं दे नहीं पाऊंगा, मजबूरी है मेरी, मैं क्या करूँ, ठीक है ही नहीं, जगह ही नहीं है। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने, आप रजिस्टर कर लो, अपनी सीट बुक कर लो। और उससे पहले आपको क्या करना है, 27 जुलाई तो दूर है भी थोड़ा सा, उससे पहले आप क्या तैयारियां शुरू करोगे उस पर हम काम कर लेंगे, कि आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, बेस कैसे बनाओ, ताकि यहां पर आके एकदम से मामला शूटअप हो जाए, ठीक है यार? तो ये मुझे बताना था, सब कुछ आपको बता दिया है, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कुछ और बचा नहीं है। फिर भी कुछ बचा है तो मुझे कमेंट्स में बता देना, उस पर वीडियो बना देंगे, ठीक है यार? चलो फिर मिलते हैं आपसे, ख्याल रखो अपना, जय हिंद जय भारत।